हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आपकी जो क्लास सिक्स की मैथ्स के एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर सिक्स हमने स्टार्ट कर रखा है, इंटीजर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने उसके फाइव क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। तो इस क्लास में आज हम सिक्स से लेकर 10th तक के क्वेश्चन को हम अपना कवर कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्लास को, और क्लास को एक बार इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और क्लास को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं सिक्स क्वेश्चन से। ठीक है, जिसने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें फाइव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है हमने, वो एक बार इसे जाके देख लेना। ठीक है, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना। देखो भाई, सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रखा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया है, पिछले वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है? तो जिसने नहीं देखा है, जिसको नहीं पता है नंबर लाइन क्या होती है, या इंटीजर चैप्टर जिसने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो वो एक बार पिछले लेक्चर जाके देख लेना। ठीक है, लास्ट लेक्चर देखो। सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नंबर लाइन पे कौन से ये दो पेयर जो ये दे रखे हैं, नंबर्स के जो पेयर दे रखे हैं, ये कौन सा नंबर किसके राइट साइड आता है? ठीक है, हमें बताना है कौन सा नंबर किसके राइट साइड आता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन नंबर्स को पहले क्या करना होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, फिर देखना होगा कि कौन सा नंबर किसके राइट आ रहा है। ठीक है, 9 2 के राइट है या 2 9 के राइट है। तो नंबर लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे, पार्ट ए के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हो मिडल में 0 आता है हमेशा, 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 आगे तक ले ले इसको, क्योंकि 9 तक है ना नंबर, तो आगे तक बढ़ाते हैं इसको 7 8 और ये हो जाएगा अपना 9। ठीक है, इधर हो जाएगा -1 -2 -3, बिकॉज राइट ये 0 के लेफ्ट साइड में कौन से आते हैं, नेगेटिव इंटीजर आते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने, 2 और 9 पेयर दे रखा है एक, और उसने पूछा है कौन सा नंबर किसके राइट साइड है। अगर हम 2 की बात करते हैं और ये रहा हमारा 9, ठीक है, तो कौन सा नंबर किसके राइट साइड है अगर हम 2 से मूव करते हैं आगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप हमने मूव किया, तो कहां पर पहुंचे हम, 9 पर पहुंच गए। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में हमने मूव किया कि हम 9 पर पहुंच गए, कौन सी डायरेक्शन में मूव किया, यानी हमने राइट साइड में मूव किया 2 से, तो हम पहुंच गए 9 पर। ठीक है, तो 9 क्या है, 2 के राइट साइड हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 9। ए का आंसर क्या हो जाएगा, 9 इज 2 राइट साइड ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आ गई बात समझ में? देखो एक बार फिर से देखते हैं कैसे किया, या नेक्स्ट वाले में समझ लेना। ठीक है, देखो अगला पार्ट देखो, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रखा है, -3 और -8 दे रखा है, तो इसमें बताना है कौन सा नंबर किसके राइट साइड है। तो बी के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बी के लिए लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे 0 1 2 3 और 4, और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 और 8 तक है, तो और ले लेते हैं लाइन को और ड्रॉ कर लेते हैं आगे तक, -6 -7 और -8। अब देखो -3 से अगर हम -8 की ओर मूव करते हैं, कितने स्टेप, 1 2 3 4 और 5, 5 स्टेप हमने मूव किया -3 से -8 पर पहुंचने के लिए, लेकिन कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में गए हम, और हमें जाना कहाँ है, कौन सा नंबर, हमें बताना है कि कौन सा नंबर किसके राइट साइड है। तो राइट साइड पर पहुंचने के लिए क्या करना होगा, -8 से हम जाएंगे -3 पर, यानी कौन सा नंबर किसके राइट साइड, तो -3 जो है वो -8 के राइट साइड हो जाएगा, यानी -8 इज 2 राइट साइड ऑफ
किसके? -3 के ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है सी पार्ट में, देखना जरा। सी पार्ट में क्या दे रखा है? 0 और -1। तो इसके लिए अगर हम नंबर लाइन बनाएं, 0 और -1, 0, 1, 2, 3, 4, और ये हो जाएगा हमारा 5। और ये हो जाएगा 0 से लेफ्ट साइड अगर हम देखते तो -1, -2, -3, और ये हो जाएगा हमारा -4। ये है यहाँ पर 1। तो कौन सा नंबर किसके राइट साइड है, यानी 0 और 1 में से बताना है। तो 0 क्या है, ये रहा -1 और ये रहा 0। तो 0 राइट साइड है -1 के, -1 राइट साइड है 0 के। -1 तो लेफ्ट साइड 0 के, और राइट साइड कौन सा है? 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? 0 इज 2 राइट साइड ऑफ -1। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है? एक नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे हम। नेक्स्ट में देखेंगे -11 और 10 दे रखा है, -11 और 10 दे रखा है। तो देखो ये 0 हो गया, इसको और ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। इस साइड भी बढ़ा लो इसको, -6, -7, -8, -9। -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11। तो कौन सा नंबर किसके राइट साइड है, अब ये देखना है। ठीक है, तो साफ साफ इसमें पता चल रहा है कि -11 जो है वो लेफ्ट साइड है किसके? 10 के। और 10 जो है वो राइट साइड है किसके? 11 के। ठीक है, राइट साइड है किसके? 11 के। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसमें क्या दे रखा था? -11 और 10 में से हमें बताना था कि कौन सा किसके राइट साइड है। ठीक है, तो कौन सा हुआ राइट साइड? 10 किसके राइट साइड हुआ? 10 इज राइट साइड ऑफ -11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दे रखा है? -6 और 6। तो आप वैसे बता सकते हो बिना नंबर लाइन ड्रॉ किए, अगर आपको समझ में आ गया 6 जो है वो -6 के क्या होगा? 6 इज राइट साइड -6 ऑन द नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना ही है तो देखो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर हो जाएगा 6। -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ये -6 है यहाँ पर और ये यहाँ पर 6 है। तो कौन किसके राइट साइड है भाई? 6 जो है -6 क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा। अब है 1 और -100 में से बताना है, 1 और -100 में से बताना है। तो आप सबको पता है 1 क्या है? 0 के बाद आएगा नंबर लाइन पर। ठीक है, और माइनस वाला जो नंबर है -100 जो है वो लेफ्ट साइड आएगा। तो राइट साइड कौन सा हुआ? 1 ही हुआ ऑब्वियसली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? कि 1 इज राइट साइड ऑफ -100 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। सम क्या दे रखा था इसमें?
पेयर दे रखे थे तो बताना था कि कौन सा नंबर किसके राइट साइड है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो, इनके बीच में क्या बताना है, इंटीजर बताने हैं हमें, मतलब जो ये पेयर दे रखे हैं इनके बीच में कितने इंटीजर आते हैं वो बताने हैं हमें। ठीक है, देखो नंबर लाइन की हेल्प से करें, जैसे हमने बनाई नंबर लाइन। ठीक है, क्या बताना है, 0 से लेकर -7 तक कितने इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, तो यहां पर ले लिया 0, ये हो गया 1, 2, 3 और यहां पर हो गया 4, और ये हो गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक है, ये हो गया -7 और ये हो गया हमारा 0। तो 0 क्या करना है, 0 को छोड़ के और -7 को छोड़कर इनके बीच में जितने इंटीजर आते हैं उनको बताना है, और उनको भी किस वे में बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उस सबसे बड़ा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो आप सबको पता है जब नेगेटिव नंबर बढ़ते जाते हैं तो वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है, जैसे -1, -2, -3, ये जैसे जितने बड़े होते जाएंगे ये उतने ही छोटे होते जाएंगे अपने आप में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम इसका बताएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच के इंटीजर तो ये हो जाएंगे -6, -5, -4, -3, -2 और -1, लेकिन इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, यही हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, -6। तो अगर इसका हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम इनका लिखते हैं तो हो जाएंगे ये -6, -5, -4, -3, -2 और -1, ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी इस तरीके से करना है। ठीक है, देखो बी पार्ट, देखो नंबर लाइन ड्रॉ की, 0, 1, 2, 3, 4 और यहां पर हो जाएगा आपका 5, और इधर हो जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, तो क्या बताना है, -4 और 4 में से बताना है, -4 और 4 के बीच में कितने इंटीजर है। तो देख लो -4 और 4 कहाँ पर है, -4 तो ये रहा और 4 यहाँ पर है, तो इनको छोड़कर इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, इनके बीच में जितने इंटीजर्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो लिख दो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये इसका हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका हो गया, पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, तो हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तो लेना ही नहीं है, तो यहां तक हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, -8 से लेकर 15 तक। -C पार्ट देखो, सी पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है, ये 1, 2, 3, 4 और 5 और यहां पर दे रखा है, इसको बढ़ा लो, ये कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है, तो इधर क्या दे रखा है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और -15। ठीक है, तो अब क्या बताना है, -8 से लेकर -15 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं उनको बताना है। ठीक है, तो देखो -8 कहां पर है, देखो -8 कहां पर है,
-8 ये रहा और -15 ये रहा, इसके बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं उनको बताना है। तो ये हो जाएंगे -14, -13, -12, -11, -10 और -9, ठीक है। तो यही इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -14, -13, -12, -11, -10, -9 और 8, तो -8 तो हमें बताना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखो डी पार्ट जल्दी से, डी पार्ट देखो, डी पार्ट में क्या बताना है, -30 से लेकर -23 तक। तो देखो -30 छोड़ दो और -23 छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, -30 को छोड़कर और -23 को छोड़कर इनके बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो -29, -28, -27, -26, -25 और -24, और -23 तो हमने लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो काउंट नहीं करना है हमें। तो ये हो जाएगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा सेवेंथ क्वेश्चन, ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो एट क्वेश्चन है, राइट फोर नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो माइनस, आप मेरे को एक बात बताना, -5 और -8 में से कौन सा बड़ा है, -5 और -8 में से कौन सा नंबर बड़ा है, बताना एक बार। मैंने बताया था नेगेटिव नंबर जितने बढ़ते जाते हैं वो उतने ही क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से बड़ा कौन सा हो जाएगा भाई, इनमें से बड़ा -5 हो जाएगा, यानी ये लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि राइट फोर नेगेटिव इंटीजर बताने चार ग्रेटर देन -20, जो -20 से बड़े होंगे। अब -20 से बड़े कौन से होंगे, -20 से बड़े कौन से होंगे, देखो जैसे यहां पर 0, 1 और ये 2, और ये हो जाएगा यहां पर -1, -2, -3, और ये अब तो सॉल्व करते करते ऐसे यहाँ पर मान लो आपका -15, -16, -17, -18, -19 और ये हो जाएगा आपका -20। तो 20 तो क्या है, यहाँ पर है, तो इससे बड़े नंबर कौन से हो जाएंगे जो इससे पहले आए हुए हैं, क्योंकि ये जो इससे पहले आए हुए हैं ये इससे क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, -19, -18, -17 और -16। तो अगर हम क्या करें, अगर हम ग्रेटर देन -20 से ग्रेटर इंटीजर्स की बात करें, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, फोर बताने हैं, तो क्या हो जाएंगे, देखो एट्थ का ए पार्ट, फोर फोर नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, तो कितने हो जाएंगे, -19, -18, -17 और -16, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये चारों इंटीजर नेगेटिव है और -20 से क्या है, छोटे सॉरी बड़े भी हैं, ठीक है, इससे ग्रेटर भी है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, राइट फोर इंटीजर्स लेस देन -10। अब लेस देन कौन से होंगे, लेस देन कौन से होंगे, माइनस से, -10 से। अगर -10 से लेस देन की बात करें तो इससे आगे वाले नंबर यानी -11, -12, -13 और -14 की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, -10 से लेस देन हो जाएंगे और -10 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो
फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट. अगर स्टेटमेंट क्या फॉल्स है तो उसको करेक्ट भी कर लेंगे. ठीक है, करेक्ट भी करना है उसको. तो ए पार्ट देखिए, माइनस एट इज टू द राइट ऑफ माइनस टेन ऑन अ नंबर लाइन. अब ए पार्ट में क्या कहा गया है कि माइनस एट ये हो जाएगा यहाँ पर जीरो वन और ये यहाँ पर टू. ठीक है, क्या कहा गया है, माइनस एट जो है वो राइट साइड आता है किसके, माइनस टेन के. तो चेक कर लेते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस टेन. देखो ये रहा माइनस टेन और ये रहा माइनस एट, तो कौन किसकी राइट साइड है. अगर हम माइनस टेन की बात करें तो ये तो माइनस एट के लेफ्ट साइड हो जाएगा, है ना. अगर हम माइनस एट की बात करें तो ये माइनस टेन के राइट साइड हो जाएगा. और हमें बताना ही है ये कौन सा, यानी माइनस एट जो है वो राइट साइड है माइनस टेन के, यानी ट्रू है या फॉल्स है. तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा. ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये हमारी ट्रू हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बी वाले स्टेटमेंट को देखिएगा एक बार. देखो माइनस हंड्रेड इज टू द राइट साइड राइट ऑफ माइनस फिफ्टी ऑन अ नंबर लाइन. देखो एक नंबर लाइन है, ठीक है, और इस पर क्या है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर पॉजिटिव होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. तो नेगेटिव चलते चलते यहाँ कहीं फिफ्टी आया होगा और फिर आगे इसके चलते चलते क्या आया होगा, माइनस हंड्रेड आया होगा. ठीक है, इनके बीच में भी कुछ इंटीजर्स रहे होंगे. ठीक है, लिखने मत बैठ जाना इनके बीच में, कहीं ये करो वन माइनस वन से लेकर माइनस हंड्रेड तक पता चले इंटीजर्स लिख रहे हो. ठीक है, सपोज करना है सिर्फ आपको कि आपको पता है जीरो से लेफ्ट साइड क्या है, हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. तो यहाँ कहीं माइनस फिफ्टी मान लो और इसके आगे चल के माइनस हंड्रेड मान लो और इनके बीच में भी कुछ इंटीजर्स क्या है रहे होंगे. ठीक है, हमें बताना है कि माइनस हंड्रेड मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग माइनस हंड्रेड जो इज टू द राइट ऑफ माइनस फिफ्टी ऑन ए नंबर लाइन. आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे कि माइनस हंड्रेड माइनस हंड्रेड क्या है, फिफ्टी के राइट साइड है लेफ्ट साइड है, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड है. फिफ्टी जो है माइनस फिफ्टी जो है वो राइट साइड है किसके, माइनस हंड्रेड के. तो ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी, ये हो जाएगी फॉल्स. और इसका करेक्शन क्या होगा, यहां पर राइट की जगह लेफ्ट आ जाएगा. ठीक है, यहां पर राइट की जगह क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज माइनस वन, मतलब सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, माइनस वन होगा. देखते हैं, चेक करते हैं एक बार. सी पार्ट देखिएगा, देखो यहां पर जीरो, ये वन टू और यहां पर हो जाएगा थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर. इनको कितना ही बढ़ा लो ये बढ़ते जाएंगे, नंबर आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन अपने आप में उतने ही क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे. तो इस हिसाब से देखा जाए तो माइनस वन क्या है, सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव ग्रेटर इंटीजर है. ठीक है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है और इसमें क्या कहा गया है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है तो नहीं, स्मॉलेस्ट तो नहीं है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर लार्जेस्ट हो जाएगा. और स्टेटमेंट बाकी स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, अब दिया हुआ है माइनस 26 इज ग्रेटर देन माइनस 25. अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि माइनस मतलब माइनस के नंबर जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे वो अपने आप में उतने छोटे होते जाएंगे. जैसे माइनस फाइव और माइनस एट का एग्जाम्पल लिया था, तो कौन सा बड़ा था इनमें से, माइनस फाइव बड़ा था और माइनस एट क्या था, छोटा था. ठीक है, माइनस एट क्या था, हमारा स्मॉल नंबर था. तो इसमें से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो डी पार्ट की, माइनस 26 में से और माइनस 25 में से हमारा कौन सा बड़ा हो जाएगा, 25 बड़ा हो जाएगा 26 की बजाय. ठीक है, 26 बड़ा ना होगा, 25 बड़ा हो जाएगा. बाकी हमारी स्टेटमेंट्स तो फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट. ठीक है, इसका करेक्शन क्या होगा, माइनस 26 इज स्मॉलर. ठीक है, माइनस 25 से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन देखो. ड्रॉ